मैं मेरे क्षेत्र के मत क्षेत्र के अंदर भी कुछ लोगों के पास ये प्रयोग करवाया था। मैंने यूनिवर्सिटी से अभी जब बहुत बारिश हो गई तब उनको फोन किया कि क्या स्थिति है। उन्होंने कहा साहब देवव्रत जी की बात सही है, मेरे खेत के बाहर एक बूंद भी पानी नहीं गया है, सारा पानी मेरे खेत के अंदर चला गया है, भूमि ही इस प्रकार की हो गई है और ये सारी पानी को ले गई। केचुए बनना बंद हो गए, केचुए को हमने खाद डाल डालकर मार डाला है। देसी गाय के गोबर से केचुए फिर से बन गए और वो ही फर्टिलाइजर का नेचुरल उत्पादक है और उन्होंने जीवामृत और दो तीन प्रोडक्ट बनाए हैं जिससे नेचुरल खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है और पानी भी इतनी जल्दी से नीचे हो जाता है कि केचुए जमीन की कठोरता को ऊपर नीचे जाकर बहुत सरलता से पानी जा पाए इस प्रकार की कर देते हैं। मगर इसके लिए कोई किसान अपने खेत के 5 टन या 10 टन गेहूं विश्व के बाजार में नहीं बेच सकता, कोई ऑर्गेनिक दलहन अपने खेत की भारत के बाजार में या ऑर्गेनिक सब्जियां या ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर के क्रॉप विश्व के बाजार में नहीं बेच सकता। इसको प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या अमूल जैसी संस्थाएं ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकती है? इस सफल प्रयोग को एक नई दिशा में हम आगे ले जा सकते हैं। इस दिशा में सोचने का समय आ गया है। हमारे पास ढेर सारी कोऑपरेटिव खाद उत्पादन कंपनियां हैं। दलहन का उत्पादन देश में कम है, तिलहन का उत्पादन देश में कम है। देश में उत्पादन कम है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जोत हेक्टर में कम है, हमारी जोत पर्याप्त है, मगर हमारे बीज में जो समय रहते संशोधन होने चाहिए थे वो नहीं। भारत सरकार के कृषि विभाग के साथ मिलकर क्या हमारी सहकारी समितियां इसके लिए कोई प्रोएक्टिव रोल ले सकते हैं? सब्जियों की नई नस्ल हम अनुसंधान कर सकते हैं क्या? ये ढेर सारे प्रकल्प मुझे लगता है कोऑपरेटिव ने अपने दायरे में लेने चाहिए, अपनी गोदी में लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो ही इसका भी मुनाफा मेरे किसान भाई तक पहुंचेगा, इसका मुनाफा कोई कंपनी में नहीं पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है और जो लक्ष्य है किसान की आय को दोगुना करना, इसकी पूर्ति के लिए भी सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मित्रों, अमूल की यात्रा को जरा बारीकी से देखें तो एक रसप्रद तरीके से यात्रा आगे बढ़ी हमें दिखाई पड़ता है। आज तो सिर्फ सफलता दिखाई पड़ती है मगर कई मकाम पर अमूल ने अपने आप को बदला तब जाकर ये सिद्धि दिखाई पड़ती है। 1946 में सबसे पहले प्राइवेट डेयरी की जगह कोऑपरेटिव कंसेप्ट को, सहकारिता के मंत्र को स्वीकार किया, बहुत बड़ा निर्णय होता। अब कल्पना करिए मित्रों, अगर ये प्राइवेट डेयरी त्रिभुवनदास ने बनाई होती पॉलसन के सामने, तो आज जो मेरी बहनें यहां से अवार्ड लेकर गई उसको क्या मिलता होगा? उसको कुछ नहीं मिलता होगा। आजादी के बाद भी उसका शोषण ही होता। सबसे बड़ा निर्णय था कोऑपरेटिव के सिद्धांत को स्वीकार करना। उसके बाद